topic that is listening to the lesson. आज के कार्यक्रम के संयोजक माननीय हरनौर जी, आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्रीमान पोद्दार जी और इस कार्यक्रम में आए हुए सारे प्रबुद्ध नागरिक, मृत्युंजय हिंदू धर्म इस विषय के बारे में कुछ बोलना ऐसा मुझे फोन पर कहा था। इसे तीन शब्दों में, जिस शब्द के बारे में कंफ्यूजन नहीं है ऐसा एक में वो शब्द है मृत्युंजय, जो मृत्यु पर जय आता है उसको मृत्युंजय कहते हैं। लेकिन हिंदू किसे कहते हैं इस पर कंफ्यूजन है, और धर्म क्या है इस पर कंफ्यूजन है, और इस पर मैं बोलने के बाद कंफ्यूजन बढ़ेगा या कंफ्यूजन कम होगा इसका विश्वास मैं दे नहीं सकता। इसके उसके विविध दृष्टि से, विविध प्रकार से लोग इस पर विषय बोलते हैं। कुछ लोग हिंदू शब्द सुनने के बाद वो उपासना पद्धति से जोड़ते हैं, कुछ लोग हिंदू शब्द जोड़ने के बाद हिंदू यानि सनातन, हिंदू यानि वैदिक ऐसा जोड़ते हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो जैन और बौद्ध अवैदिक है उनको भी हिंदू कहते हैं, क्योंकि हिंदू कोड बिल में किसको हिंदू कहना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हिंदू कोड बिल में हिंदू किसको कहना इस पर चर्चा चली, तो जो मुसलमान, ईसाई और पारसी नहीं है ऐसे सभी लोगों को हिंदू कहना, ऐसा कोडिफिकेशन किया है। लेकिन बुद्ध तो कहते हमारा बुद्ध धर्म है, जैन कहते हमारा जैन धर्म है, सिख कहते हमारा सिख धर्म है, और हिंदू कहते हैं ये सब मिलकर एक हिंदू धर्म है। तो इस हिंदू इस विषय के बारे में ही एक बहुत भारी कंफ्यूजन है। और दूसरा है धर्म, अपने यहां दुर्दैव से पाठ्यक्रमों में इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं होती, इसलिए एक दो तीन शब्द है कि दो तीन शब्द के बारे में ये दोनों शब्द एक ही है ऐसा लोग मानते हैं, इसलिए सुनने के बाद और कंफ्यूजन होता है। एक शब्द है पंथ, किसको कहते हैं, ये हमारा सिख पंथ है, हमारा वारकरी पंथ है, उसको संप्रदाय भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेक्ट कहते हैं। वैसे ये इन सभी विषयों के बारे में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना एक बहुत कठिन बात है, क्योंकि वो दोनों अलग दृष्टिकोण है। दूसरा एक शब्द है संप्रदाय, तीसरा शब्द है रिलीजन, और चौथा शब्द है धर्म। इन चारों के बारे में एक ही मानकर और कंफ्यूजन बढ़ता है। इसलिए धर्म शब्द सुनने के बाद लोगों के मन में आता है एक हिंदू धर्म है, एक ईसाई धर्म है, एक क्रिश्चियन धर्म है, और एक पारसी धर्म है। सामान्यता इतना आता है, बाकी यहूदी वगैरह सारे विथ रेफरेंस टू भारत उसका सारा समस्या नहीं है। लेकिन विथ रेफरेंस टू भारत नए सरकार बनने के तुरंत बाद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि भारत में केवल पारसी अल्पसंख्यक है, मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, और एक बहस चल रही है यदि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है तो मुसलमान है कौन, मुसलमान धर्म है, पंथ है, मजहब है, या राजनीति है, यदि वो राजनीति है तो हिंदू क्या है। ऐसे सारे विषयों के बारे में एक कंफ्यूजन है। तो ये पहले कंफ्यूजन थोड़ा समझने के बाद प्रत्यक्ष विषय के लिए जाएंगे, क्योंकि बोलते समय संवाद यदि होता है तो अच्छा संवाद क्या है, बिफोर यू स्पीक डिफाइन द टर्म्स। आप बोलते समय आप बोलने के पहले आप किस विषय को कैसा लेकर बोल रहे हैं यह समझो, और यदि डिफाइन टर्म्स नहीं होती है तो वाक्य एक ही होता है लेकिन सुनने वाला उसका अलग अलग अर्थ लेता है। उसके लिए दत्तोपन्त ठेंगड़े एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते थे। वो क्या बताते थे, हम जो सारे संघ के प्रचारक हैं वो तो गांव गांव में घरों घरों में लोगों के घर में ही भोजन के लिए जाते हैं। तो एक समय दत्तोपन्त ठेंगड़े जी भोजन के लिए घर में गए, और घर में जाने के बाद
भोजन करने के बाद उन्होंने भाभी जी को कहा कि आज का भोजन बहुत अच्छा हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि आज का भोजन अच्छा हुआ तो भाभी जी में रिएक्शन आ गई, वो गुस्सा हो गई और उन्होंने क्या कहा, आप भी वैसे ही है। तो उनको ध्यान में नहीं आ गया कि ये क्या, मैं तो भोजन अच्छा हुआ बोल रहा हूं और ये बोल रही है आप भी वैसे ही है। फिर बाद में भाभी जी क्या खुलासा करती है, हमारे जो घर वाले हैं ना, उनको जब तीखा ज्यादा होता है, थोड़ा नमक ज्यादा होता है, तो वह बोलने की आदत है कि आज सब्जी जरा अच्छी हुई है। तो सब्जी अच्छी हुई है बोलने के बाद यह समझना कि उसमें जरा नमक ज्यादा है। तो ये बोल रहे थे कि रसोई अच्छी हुई है, लेकिन वो सुन रहे थे कि थोड़ा सा नमक ज्यादा हुआ है। तो बिफोर यू स्पीक डिफाइन द टर्म्स, आप बोलने के पहले आप किसको हिंदू बोलना चाहते हो, आप किसको धर्म बोलना चाहते हो, ये पहले मैं जो मैं बोलना चाहता हूं वो थोड़ा डिफाइन करूंगा और फिर वो मृत्युंजय क्यों है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगी। एक 8-9 साल पहले, यानी इसके पहले के 2 इलेक्शन लोकसभा के पहले, महाराष्ट्र में मनोहर जोशी, जो बीच बाद में लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे, उसी इलेक्शन में उन्होंने एक भाषण में कहा कि हम यदि सत्ता में आएंगे तो हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए ऐसा ऐसा काम करेंगे। जब ऐसा उनको कहा तो कांग्रेस ने उन पर केस कर दी, उन्होंने धर्म के आधार पर वोट मांगे और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। तो ये केस 3 साल सुप्रीम कोर्ट में चले और 3 साल सुप्रीम कोर्ट में चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, वह एक जीवन जीने का तरीका है, वो धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है और मुझे भाषण देना है मृत्युंजय धर्म पर और मृत्युंजय हिंदू धर्म पर, इसलिए मैंने कहा कि बिफोर यू स्पीक डिफेंड द टर्म्स। तो यदि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है तो जिस विवेकानंद जी की सार्ध शताब्दी के कारण प्रबुद्ध आयाम शुरू हुआ, वो सारा विवेकानंद जी तो हिंदू धर्म के बारे में ही बोल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हिंदू नाम का धर्म नहीं है, तो विवेकानंद जी का और धर्म के बारे में थोड़ा वांग में पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। इस देश का जो धर्म था वो सनातन था और सनातन का अर्थ है नित्य नूतन। नित्य नूतन यानी जिस नियमों के आधार पर समाज की धारणा होती है उस नियमों को युग के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया ये समाज हमेशा करते आया है। इसलिए एक दृष्टि से वो नियम पुरातन है, लेकिन जो युग धर्म होगा उसे युग धर्म के आधार पर वो बदलते भी है। यानी नियम पुराने होने के बाद भी वो जो युग के अनुसार बदलते हैं उसको नाम दिया है सनातन। सनातन का एक अर्थ है नित्य नूतन और ये इस नित्य नूतन धर्म को धारण करने वाला समाज कौन सा है। धर्म की कल्पना हमारे वेदों में शास्त्रों में क्या की है, धारणात् धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयति प्रजा। धर्म का अर्थ है जिसके कारण समाज की धारणा होगी, समाज ठीक रहेगा, समाज के सारे लोग अपना अपना कर्तव्य ठीक करेंगे और जिसके कारण समाज ठीक चलेगा, ऐसे निसर्ग नियमों का नाम दिया है धर्म। जो निसर्ग नियम है वह शाश्वत है, लेकिन जो निसर्ग नियम नहीं है लेकिन समाज को जीना है इसलिए समाज ने बनाए हुए नियम है वो परिवर्तनीय है, वो युग के अनुसार बदलते हैं। इसलिए धर्म की डिक्शनरी मीनिंग निकालेंगे तो धर्म का एक डिक्शनरी मीनिंग का अर्थ है कर्तव्य, और उसे कर्तव्य प्रत्यक्ष हम व्यवहार में भी लाते हैं। पुत्र को संभालना, पुत्र को बड़ा करना, पुत्र की चिंता करना, यह पिता का कर्तव्य है। पिता की चिंता करना यह पुत्र का कर्तव्य है। एक भाई ने दूसरे भाई से कैसा व्यवहार करना, ये हमारे देश में, हमारे समाज में ये बंधु धर्म का आदर्श प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र है और प्रभु भरत है।
तो इसलिए हमारे यहाँ मातृधर्म, पितृधर्म, बंधु धर्म, भगिनी धर्म, पड़ोस धर्म, राष्ट्र धर्म, ये शब्द आए। इन शब्दों का अर्थ है कर्तव्य। लेकिन केवल कर्तव्य के लिए धर्म का उपयोग होता है, ऐसा नहीं है। धर्म का आधार, धर्म का उपयोग गुणवाचक भी होता है। अग्नि का धर्म है उष्णता देना। अग्नि का धर्म है उष्णता देना, इसका अर्थ अग्नि का कर्तव्य ऐसा नहीं होता है। अग्नि का धर्म है उष्णता देना, यानी उसका स्वभाव है कि उष्णता देना। पानी का धर्म है बहना। हवा का धर्म है हलचल करना। नाग का धर्म है काटना। मनुष्य का धर्म है संरक्षण करना। जब ये धर्म का शब्द ऐसा हम उपयोग करेंगे तो वो स्वभाव के साथ जुड़ जाता है। ऐसा धर्म का उपयोग दुनिया के अन्य किसी भी भाषा में होता नहीं है। इसलिए धर्म ये शब्द दुनिया के किसी भी भाषा में भाषांतरित नहीं हो सकता। लेकिन जिसका भाषांतर ही नहीं हो सकता, उसका भाषांतर सारे दुनिया में रिलीजन के नाम पर चल रहा है। और जब वो रिलीजन के नाम पर भाषांतर शुरू होगा, तब हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, ये सारे रिलीजन बनेंगे। इस रिलीजन का और धर्म का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हमारे चिंतन में रिलीजन इज सो पर्सनल, दैट इज पर्सनल लाइक अ टूथब्रश ऑफ अ पर्सन। हर व्यक्ति का टूथब्रश कैसा हो, ये वो व्यक्ति जैसा निश्चित कर सकता है, वैसा उस व्यक्ति का रिलीजन कैसा हो वैसा वो व्यक्ति तय कर सकता है। लेकिन धर्म व्यक्ति तय नहीं कर सकता। व्यक्ति जन्म आने के पहले ही धर्म तय ही है। साइंस के भाषा में उसको परिभाषित यदि करना है तो न्यूटन के गति विशेष नियम बोलते हैं कि वो न्यूटन के हैं, लेकिन वो न्यूटन के पहले भी थे और वो न्यूटन के बाद भी थे। जो था उसको न्यूटन ने बताया, इसलिए उसको न्यूटन के गति विशेष नियम बताते हैं। जो है उसको हिंदू समाज ने बताया, इसलिए उसको हिंदू धर्म बताते हैं। उन्होंने कुछ नया नहीं बताया है। इसको कहते हैं धर्म। वो कोई निर्माण नहीं कर सकता, वो है ही। कब है मालूम नहीं है, कब नष्ट होगा मालूम नहीं है। शायद वो निर्माण ही नहीं हुआ है तो नष्ट कैसा होगा। इसलिए हमारे भाव विश्व में शब्द उसके लिए लिखा है कि वह अनादि है, वह अनंत है। वह अजन्मा है इसलिए वो अजर है, और यदि वो अजर है तो वो अमर है। ये धर्म के बारे में संकल्पना है, वो किसी ने निर्माण नहीं किया है। इसलिए धर्म यह संकल्पना, मैं हिंदू धर्म नहीं बोल रहा हूं, धर्म यह संकल्पना अजर अमर ऐसी ही है। वो नष्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो किसी ने स्थापन की ही नहीं है। और वो किसी ने स्थापन नहीं की, इसके लिए विवेकानंद जी ने जो सारे यूरोप में भाषण दिए थे, उस यूरोप के भाषण में हिंदू धर्म की विशेषता, उसके लिए उन्होंने क्या कहा था, सारे दुनिया में हिंदू समाज इतना निर्भय है कि हिंदू समाज को पूछा कि यह जगत क्या है तो वह बताता है क्या है, जगत कैसा निर्माण हुआ वो भी बताता है, बिग बैंग थ्योरी, अभी वो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। एको अहम बहुस्याम, ईश्वर एक था, उसको लगा कि बहुत होने चाहिए, इसलिए उन्होंने अनेक लोगों को निर्माण किया। यह जगत की उत्पत्ति है हिंदू समाज की। और फिर जो निर्माण क्यों किया, क्या है ये हमको मालूम है, कैसा हुआ ये भी मालूम है, लेकिन निर्माण क्यों किया, इसके लिए हिंदू समाज उत्तर देता है, अत्यंत निर्भयता से उत्तर देता है, मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। नेति नेति नेति, ये जगत निर्माण क्यों हुआ हमको मालूम नहीं है। जब पहला उत्तर नेति दिया था तभी भी मालूम नहीं है और आज भी मालूम नहीं है। ना वेदों को मालूम है, ना बिग बैंग के बाद भी जो सारी सिस्टम्स लाई है उनको भी मालूम नहीं कि निर्माण क्यों हुआ। और निर्माण क्यों हुआ इसका उत्तर हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम धर्म के आधार पर कहते हैं कि हमको मालूम नहीं है।
जो सत्य है वह जैसा ही बोलना, यही हमारा धर्म है, इसलिए हम बोलते हैं, हमको मालूम नहीं है। लेकिन इस्लाम और ईसाइत ऐसे बोलते नहीं है। इस्लाम और ईसाइत यानी इस्लाम में पृथ्वी का निर्माण कैसा हुआ वगैरह सारा जो है वो कुरान में दिया है, और ईसाइत में जो सारा निर्माण हुआ है वो बाइबल में दिया है। बाइबल यानी जुना करार प्लस नवा करार इज इक्वल टू बाइबल। जो केवल क्रिश्चियन मानते हैं वो नया करार है यानी न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट प्लस जूम का ओल्ड टेस्टामेंट मिलकर बाइबल है। और पृथ्वी की उत्पत्ति का जो सारा सिद्धांत दिया है वो जेनेसिस में दिया है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में जेनेसिस नाम का जो चैप्टर है उसमें दिया है। और उसमें क्या कहा है, पहले रात और दिन निर्माण हुए, फिर चंद्र सूर्य निर्माण हुआ, और फिर मनुष्य निर्माण हुआ। जो जेनेसिस में दिया है उसका क्रम मैं बता रहा हूं, पहले दिन रात, फिर चंद्र सूर्य और फिर मनुष्य। और ये कब निर्माण हुआ, तो ईसा पूर्व 4252 साल पहले ऐसा हुआ है। वो भी डेट वगैरह दी है, और कब तक चलेगा, 2012 तक चलेगा, उसके बाद डूबने वाला है, यह भी बाइबल में लिखा है। इसलिए जो 2012 का सिनेमा निकला था ना वो उससे उसके कारण निकला है। तो यह सारा इरिलेवेंट है। और ऐसे में आपको यदि मुक्ति चाहिए तो ऐसा ऐसी उपासना करो तो आप यीशु के पास जाएंगे, इसका वर्णन करने वाली जो गतिविधि है उस गतिविधि का नाम है रिलीजन। और वो रिलीजन भी यानी क्रिश्चियनिटी भी कैथोलिक में, प्रोटेस्टेंट में, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, ऐसे भारत में 76 सेक्ट है उसमें डूबी हुई है। तो वो कहते हैं हम बैप्टिस्ट है, हम मेथोडिस्ट है, उनका वो रिलीजन है, ईश्वर प्राप्ति का वो मार्ग है, और उसका हम भाषांतर करते हैं वो भी एक धर्म है। इसके कारण ये सारी गड़बड़ है। अन्यथा धर्म शब्द के पहले मृत्युंजय ये शब्द लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। समझाने के लिए गीता में भी कहा है कि जिसको जिसको जन्म है उसको उसको मृत्यु है। यदि धर्म को जन्म ही नहीं है तो धर्म का मृत्यु भी होने वाला नहीं है। क्रिश्चियनिटी को जन्म है इसका अर्थ उसका मृत्यु होने वाला है। 2000 साल के बाद, 3000 साल के बाद, 4000 साल के बाद मृत्यु होने वाला है। इस्लाम का यदि जन्म है तो उसका मृत्यु होने वाला है। जो जो पंथ शुरू हुआ वो पंथ नष्ट होगा, क्योंकि वो कितना भी श्रेष्ठ हो वो व्यक्ति ने बताया है। और दुनिया का इतिहास ऐसा है कि उस व्यक्ति को मारने के लिए केवल उसके अनुयायी पर्याप्त है, अन्य किसी की आवश्यकता ही नहीं है, वह अनुयायी उसको मारते हैं। जो गौतम बुद्ध ने कहा और जो आज बुद्ध धर्म चल रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जाति प्रथा नष्ट करने के लिए बसवाना ने वो सारा शुरू किया, लेकिन उसी की एक जाति बन गई है। कर्नाटक में उसका जरा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। जाति प्रथा नष्ट करना और ये सारे भेदभाव नष्ट करने के लिए आर्य समाज में निर्माण हुआ। आर्य समाज एक नई जाति बन गई। तो जो जो नया शुरू होता है वो अनुयायी उसको नष्ट करते हैं। लेकिन हिंदुत्व के बारे में और एक विषय हमको समझना चाहिए, और वह धर्म के लिए नहीं, वह समाज के लिए। तो उसको हिंदू धर्म क्यों मानते हैं? तो जो ये धर्म की धारणा जिस समाज ने स्वीकार कर दी, उस समाज को अन्य लोगों ने जोड़ा कि यह हिंदू धर्म है। हिंदू नहीं मानते कि हिंदू धर्म है, हिंदू कहते यह धर्म है। बाकी लोग कहते आप इसको धर्म मानते हो इसलिए यह हिंदू धर्म है, अन्यथा बेसिकली इट्स धर्म बस। और इसलिए बार बार लोग पूछते हैं, गीता में कहा हिंदू शब्द आया, वेदों में कहा हिंदू शब्द आया, उपनिषदों में कहा हिंदू शब्द आया है, तो नहीं आया है। लेकिन गीता, उपनिषद, वेद, इसको मानने वाला समाज आज भी है। जो समाज इसको मानता है उस समाज का नाम हिंदू, इसलिए उस धर्म का नाम हिंदू। अन्यथा धर्म मृत्युंजय ही है, क्योंकि वह अजन्मा है इसलिए वह अमर है। तो ये हिंदू धर्म शब्द के बारे में जानकारी होने के बाद हम थोड़ी हिंदुत्व के बारे में लेंगे। तो हिंदुत्व एक जीवन दृष्टि है, जीवन जीने की कला है। और जीवन जीने की जब कला है तो जीवन में प्रत्येक हिंदू व्यक्ति की अपेक्षा क्या है? मुक्ति। मुझे मुक्ति चाहिए।
इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चार पुरुषार्थ के आधार पर मुझे मुक्ति चाहिए। जीवन में कभी ना कभी उसको विरक्ति आती ही है। विरक्ति आने के बाद वो विरक्त बनता है तो संत साधु वगैरह बनता है, विरक्त नहीं बनता है तो शादीशुदा करके फिर एक बड़ा संसार अपना नया करता है और जाते जाते कहता है कि इस जन्म में नहीं मिली, अगले जन्मों में नहीं मिली, क्योंकि पुनर्जन्मों पर विश्वास रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को मुक्ति चाहिए, ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए, उसका दर्शन करना है, तो यदि कोई ना कोई उसको मार्ग चाहिए, उस मार्ग को कहते हैं ये इस उपासना मार्ग से चल रहा है। और उन उपासना मार्ग के लिए कोई देवता चाहिए, उसको कहते हैं ये उसकी इष्ट देवता है। और हिंदुत्व की विशेषता ऐसी है कि उसको देवता भी नहीं चाहिए, यानी कुछ निर्गुण निराकार की भी उपासना करते हैं। और विवेकानंद जी के जीवन की तो जैसे मैंने कहा कि महापुरुषों को मारने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं रहती, उसके अनुयायी पर्याप्त है। जब विवेकानंद जी भारत में आए तो उनके कोलंबस से अल्मोड़ा तक एक बहुत बड़े भाषण की एक माला चली थी, और जो यूरोप में उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कहा बिल्कुल उल्टा सारा हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने भारत में कहा है। यानी यूरोप में हिंदू धर्म के वेद कैसे है, श्री कृष्ण कैसा है, रामायण कैसा है, महाभारत कैसा है, नीति नीति कैसी है, अनुभूति के आधार पर ही धर्म कैसा है वगैरह सारा वर्णन उन्होंने यूरोप में किया है हिंदुत्व की श्रेष्ठता। इसलिए हिंदुत्व की श्रेष्ठता विवेकानंद जी के व्याख्यान में यदि पढ़ना है तो विवेकानंद जी के अमेरिका और यूरोप के सारे भाषण पढ़ने चाहिए, और हिंदू धर्म में जितनी सारी बुरी या बुराइयां हैं वो क्या क्या है वो पढ़ना है तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक का पढ़ना चाहिए। यानी रामेश्वर में उन्होंने भाषण दिया है कि यदि शिव की पूजा करना है तो प्रत्यक्ष शिव को शिव जैसा बनना चाहिए, सबको मंदिर में प्रवेश देना चाहिए। केरल में उन्होंने भाषण किया है ये पागल खाना है क्या, क्योंकि यह हमारा धर्म भारत में अभी जो धर्म बना है वो मुझे शून्य को स्पर्श मत करो, यही हमारा धर्म है। यदि अच्छे सुशिक्षित ब्राह्मण के लड़के को एक शिक्षक की आवश्यकता है तो चांडा के लड़के को 10 शिक्षकों की आवश्यकता होनी चाहिए। शिवम भूत्वा शिवम एकेत ये जैसा उन्होंने कहा वैसे शिव भाव से जीव की सेवा करो, यही आपका वेदांत है, ये विवेकानंद जी ने कहा। ये सारे उनके भाषण है, वो सारे भाषण भारत के हैं। उस विवेकानंद जी ने उनके अंतिम कालखंड में कहा था कि अद्वैत वेदांत ही केसरी है, वह एक बार सिंह गर्जना करेगा तो सारे उपासना मार्ग भाग कर जाएंगे। और इसलिए आप में से कोई अल्मोड़ा गया होगा और नहीं गया होगा तो अभी जा सकता है, अल्मोड़ा का जो रामकृष्ण मठ है उस रामकृष्ण मठ में विवेकानंद जी ने कहा है कि जिसको जिस प्रकार की उपासना करना है वो वैसे प्रकार की उपासना यह आकर कर सकता है। यहां ठाकुर जी की और माता जी की भी प्रतिमा नहीं लगेगी, इसीलिए अल्मोड़ा के मठ में ना रामकृष्ण जी है, ना माता जी है, ना विवेकानंद जी की प्रतिमा है, कुछ नहीं है। जिसको जिस प्रकार की उपासना करना है वो वहां करे। इसके लिए उन्होंने एक मठ स्थापन किया अल्मोड़ा का। लेकिन मजे की बात क्या है, मैंने कहा ना ये अनुयायी महापुरुषों को मारते हैं, उस मठ की देखभाल करने वाला जो सन्यासी है उसके कमरे में मैं गया था, वो अद्वैत वेदांत का सारा सिद्धांत बता रहा था, लेकिन कमरे में रामकृष्ण माता जी और विवेकानंद जी की प्रतिमा रखकर उसकी पूजा कर रहा था। जो निर्गुण निराकार की पूजा करने वाले अद्वैत का सिद्धांत बताने वाले विवेकानंद भी उतने ही हिंदू है जितने उनका शिष्य माता जी की पूजा करने वाला हिंदू था। इसलिए मैंने कहा हिंदू बनने के लिए जैसे मूर्ति पूजा की आवश्यकता है वैसे मूर्ति पूजा न करते हुए भी हिंदू बन सकता है। हिंदू के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन और मुसलमान बनना है तो यदि कुरान नहीं मानेगा, अल्लाह को नहीं मानेगा, बस इज काफिर। बाइबल नहीं मानेगा, यीशु नहीं मानेगा, यीशु का पुनर्जन्म हुआ यह सारा नहीं मानेगा, बस उसको काट दो क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। और उसको भी हम रिलीजन कहते हैं और इसको भी हम रिलीजन कहते हैं, ये कंफ्यूजन की बात है। यदि ये धर्म है तो वो अधर्म है, वो धर्म है तो ये अधर्म है, दोनों इक्वल नहीं है। और दोनों इक्वल नहीं है ये हिंदू समाज को मान्य नहीं होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब भाषण करने के लिए खड़ा होगा तो हिंदू ही बोलेगा कि सर्वधर्म समभाव है, एक भी मुसलमान एक भी ईसाई नहीं बोलेगा कि सर्वधर्म समभाव है, क्योंकि धर्म के बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हिंदू समाज में है। तो हिंदू समाज उपासना पद्धति में, किसी भी उपासना पद्धति में विश्वास रखता है,
हिंदू समाज एक ही ईश्वर को मानता है, लेकिन हिंदू समाज की विशेषता ऐसी है कि वह ईश्वर कितने भी प्रकार के अवतार ले सकता है, इसलिए वो प्रत्येक अवतार में ईश्वरीय अंश है। और केवल अवतार में ईश्वरीय अंश है ऐसा नहीं है, तो हिंदू समाज का उसके जाकर कहना ऐसा है प्रत्येक नर नारायण बन सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। यदि वह नर नारायण करे, करनी करे, तो वह स्वयं नारायण बन सकता है, और वह करनी ऐसी करे तो वह स्वयं राक्षस बन सकता है। यह हिंदू धर्म की विशेषता है। इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में नर नारायण नहीं बन सकता, नारायण को छोड़ो नारायण का दूत भी नहीं बन सकता, लेकिन हिंदू धर्म बन सकता है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि अवतार हुए थे और भी हो जाएंगे, ईश्वर एक है उसके सैकड़ों अवतार हो जाएंगे। और हिंदू धर्म की विशेषता क्या है? हिंदू धर्म महिलाओं में भी देवत्व देखता है, स्त्री रूप में देवता देखने का दृष्टिकोण केवल हिंदू धर्म देता है, क्योंकि हमारे यहां मान्यता है स्त्री और पुरुष दोनों में आत्मा है, दोनों एक है, उसी ईश्वर के वो अंश है। इसलिए वो समझाने के लिए हमारे यहां अर्धनारी नटेश्वर का चित्र है, शिव और पार्वती आधे आधे शरीर में दिखाते हैं और कहते हैं शिव का जागरण हुआ है, शक्ति का जागरण बाकी है। हिंदू समाज का अच्छापन हिंदू समाज को ठीक मालूम है, लेकिन वो अच्छापन टिकाने के लिए भी शक्ति चाहिए, शक्ति का जब जागरण होगा तब नरकासुर मरेगा, तो शक्ति का जागरण करना है तो संग्रम करो। इसलिए महिलाओं में भी हिंदू समाज आत्मतत्व देखता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम महिलाओं में आत्मतत्व देखते ही नहीं है। बेसिकली यह समझने की बात है कि सोल, इंग्लिश में आत्मा का आज का भाषांतर सोल है, लेकिन सोल इज नॉट इक्विवेलेंट और नॉट इक्वल टू आत्मा, यही भी गड़बड़ है, क्योंकि उनके यहां मान्यता है सोल इज अ मैस्कुलाइन, केवल पुरुषों के लिए है, और पुरुष के हड्डी से महिलाओं का निर्माण हुआ है, इसलिए महिलाओं में आत्मतत्व नहीं है। यदि महिलाओं में आत्मतत्व नहीं है तो कीट पतंग पौधे इनमें आत्मतत्व की बात करना भी कठिन है। फिर भी हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव है, इसलिए मैंने कहा कि यह कंफ्यूजन की बात है। तो ऐसे हिंदू धर्म पर आक्रमण तो बहुत है, और ऐसे हिंदू धर्म पर जो आक्रमण है वो आक्रमण आने के बाद भी हिंदू समाज जब आक्रमण आया था तब जिन जीवन मूल्यों के आधार पर जीता था उन्हीं जीवन मूल्यों के आधार पर हिंदू समाज जी रहा है, इसलिए धर्म को नहीं समाज को मृत्युंजय ऐसा कहना चाहिए। इतने भी आक्रमण आए तो भी हमारा मृत्यु नहीं हुआ है। उस समाज, उस समय वेद बोलने वाला हिंदू दिखाओ, उस समय भी था, आज भी यदि कहेगा कि मुझे वेद बोलने वाला हिंदू दिखाओ आज भी दिखेगा, लेकिन जैसे ये बर्बरता पूर्वक अत्याचार आक्रमण हिंदुत्व पर आए, ऐसे ही बर्बरता पूर्वक आक्रमण हिंदुत्व के साथ साथ अन्य भी समाज पर आए। ग्रीक हो न शकजवन टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर, पता नहीं कहा गए। आज ग्रीक यून यवंस ये सारे उन्होंने भारत पर आक्रमण किए, और भारत पर आक्रमण करने वाले करने जैसी उनके पास सैन्य शक्ति थी, ताकत थी, इसलिए वो अपने देश से लेकर अलेक्जेंडर भारत में आया था। ग्रीक आए, हूण आए, कुषाण आए, सब आए, उन्होंने भारत में आक्रमण किया, लेकिन आज दुनिया के नक्शे में जिस ग्रीस से वो आया था उस ग्रीस में जाकर पूछेंगे कि यहां का ग्रीक आदमी कैसा दिखता है, वो कौन सी उपासना पद्धति करता है, ग्रीक कैलेंडर कौन सा है, उनके त्योहार कौन से है, तो सारे ग्रीस में आपको क्रिश्चियनिटी मिलेगी। इजिप्ट से आक्रमण आए थे, आज उस इजिप्ट में जाकर देखेंगे कि आप सारे आए थे हम पर आक्रमण करने के लिए आए थे, आज इजिप्ट में क्या है, पूरा इजिप्ट मुस्लिम बन गया है। जो ईरान, जिस ईरान से पारसी भारत में थोड़े इन्हें गिने हैं, वो सारा ईरान पारसी था, आज ईरान में जाकर कोई पूछेगा कि यह पारसी है
तो दवा के लिए भी ईरान में पारसी नहीं मिलता है, जो भी पारसी मिलता है वो भारत में मिलता है। तो ग्रीक नहीं रहे, सुमेरियन नहीं रहे, खल्डियन नहीं रहे, पारसी नहीं रहे, ये सारी संस्कृति नष्ट हो गई, ये सारी संस्कृति नष्ट हो गई। और जिस समय उस समय जैसा हिंदू समाज था वैसा हिंदू समाज आज है। ऐसी हिंदू समाज में क्या विशेषता है? ऐसी हिंदू समाज में विशेषता यह है कि हिंदू समाज युगानुकूल धर्म के साथ जीता है। आक्रमण आने के बाद जिस प्रकार का धर्म, जिस प्रकार के लिए रक्षण करने के लिए जो करना चाहिए वो करता है। आक्रमण जाएगा फिर निर्माण होता है। 2 साल पहले मैं गोवा के प्रवास में गया था, वैसे कर 10-12 साल से जा रहा हूं, लेकिन 2 साल विस्तृत गोवा का प्रवास के लिए गया था। क्यों गया था? जो राम जन्मभूमि की केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उस राम जन्मभूमि की केस में राम मंदिर उसी स्थान पर है, ऐसे सारे पुरावे अभी दिए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किए हैं। तो उसी समय वॉइस ऑफ इंडिया ने किताब प्रकाशित किया है, उस किताब का नाम है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपन टू देम। भारत के ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हिंदू टेम्पल्स है कि उनको उद्ध्वस्त किया है, कौन से उद्ध्वस्त किए और अभी उसका क्या हुआ है, ऐसी चर्चा उस किताब में है। तो उस किताबों में गोवा से, मैं गोवा का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि यहां से बहुत नजदीक है, गोवा के 370 मंदिर पुर्तगीज ने कैसे तोड़े उसका सारा वर्णन है। और वो जो 370 मंदिर थे वो आज के गोवा के जो 3 तहसील है केवल उन 3 तहसील में थे। उस समय का जो गोवा था वो जो आज की परिभाषा में जो बोलेंगे उस समय के गोवा को, तो आज का 66 यानी 66 गांव, बारदेश यानी 12 गांव और 30 गांव यानी 30 गांव, ये तीनों मिलकर जो 108 गांव थे वो उस समय का गोवा था। तो इस 108 गांव में से 370 मंदिर तोड़े हैं, ऐसा सारा दिया था। तो मैंने उत्सुकतावश उस मंदिरों का क्या हुआ है यह देखने के लिए गया। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, उस 370 मंदिरों में से 300 मंदिर पुनर्निर्मित हुए हैं। आज का जो शांता दुर्गा का, मंगेशी का वगैरह जो मंदिर हम देखते हैं वो ओरिजिनल शांता दुर्गा और मंगेशी वो दिवाड़ी बेट से यहां आ गई और फिर नहीं बन गई, और 300 मंदिर बन गए हैं उस समाज के अपने अपने बने हैं। और जो केवल शांता दुर्गा मंगेशी का नहीं, 300 मंदिर उनके बारे में हुआ है। और जो बचे हुए 70 है वो आने वाले 8-10 साल में बनेगी। तो अपने अपनी कुल देवता, अपना अपना मंदिर 400-500 साल के आक्रमण के बाद भी हिंदू समाज में पुनर्निर्माण किया। इसलिए हिंदू समाज को कहते हैं यह मृत्युंजय समाज है। ये केवल क्या वो गोवा में हुआ, ऐसा नहीं है। अभी अभी मैं सोमनाथ गया था, और सोमनाथ जाने के बाद वो सारा दृश्य देखने के बाद मेरे मन में पहले बार क्या आया, इतना सारा हुआ है शायद फिर एक बार सोमनाथ लुटना की शक्य अब स्थिति आ गई है। यानी वो सोमनाथ की जो मूर्ति है वो सारी सुवर्ण मंडित हो गई है, उसमें सारे अभी हीरे आ गए हैं, वो सारा मंदिर अंदर से फिर सोने का हो गया है। और मैं जब गया था वो वहां एक कार्यकर्ता ने सोने का पत्रा सारे दरवाजे पर डाला था, इसलिए वहां अभी पूरा सोमनाथ फिर एक बार सुवर्ण मंडित हो गया है। तो जिस सोमनाथ को 16 बार लूटा था वो सोमनाथ फिर एक बार सुवर्ण मंडित हो गया है। यानी केवल सरदार पटेल जी ने वो कहा था कि मैं उसका पुनर्निर्माण करूंगा, तो पुनर्निर्माण तो हुआ, लेकिन फिर हिंदू समाज की वही आस्था, वही निष्ठा, वही समर्पण शुरू है। और उसके बारे में एक मजा है, जैसे ये गोवा का चित्र है ना, ऐसे जब यह आक्रमण हुआ था तो गुजरात की राजधानी पाटन थी, मोहम्मद बेगड़ा का जब आक्रमण आया था और सोमनाथ अंतिम बार लूटा, तो उस समय अंतिम बार सोमनाथ लूटने के बाद पाटन के पास एक शिवजी का मंदिर था, वो शिवजी का मंदिर भी उन्होंने तोड़ दिया, फिर हिंदू समाज ने निर्माण किया, फिर तोड़ दिया। ऐसा निर्माण तोड़ना, निर्माण तोड़ना, ये बहुत सार चलता था। लेकिन अभी वहां जो मंदिर है, आप खुद आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वहां एक बहुत बड़ी वॉल है और उस वॉल में अंदर केवल मिट्टी है, और उसको वो लोग कहते हैं कि ये शिवजी का मंदिर है। और अंदर जाकर क्या करना है, वहां शिवजी निर्माण करना, पानी चढ़ाना,
फूल चढ़ाना, नमस्कार करके आना, दूसरा जाएगा तो वो तोड़ेगा, फिर शिवजी निर्माण करेगा। कंकर कंकर शंकर है, यह हमारे यहां केवल कविता का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। वहां मिट्टी में शंकर है ही, ये मानकर हिंदू समाज जी रहा है। एक साल नहीं, 500 साल से वही मंदिर चल रहा है। जैसे सोमनाथ सुवर्ण मंदिर फिर एक बार हो गया, उसी मंदिर में उसी श्रद्धा के आधार पर इस शिवजी के मंदिर पर लोग जाकर मिट्टी की शिवजी बनाते हैं, दूसरा जाकर उसको तोड़ता है, फिर बनाता है, फिर तोड़ता है, 500 सालों से चल रहा है। यदि हिंदू समाज ऐसा युगानुकूल बनेगा तो हिंदू समाज का मंदिर तोड़ने की हिम्मत किसकी होगी? जो टूटेगा वह भी मंदिर, जो बनेगा वह भी मंदिर। तो हिंदू समाज में जो आस्था के विषय है, वो आस्था के विषय 400-500 सालों के बाद भी हिंदू समाज में नष्ट नहीं हुए, वो पुनर्निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के लिए हमने 70-80 लड़ाई की है, अभी भी लड़ाई चालू है। और जब ये हिंदू समाज का है, और जिस पर्शिया के बारे में बोल रहा था कि वो पर्शिया नष्ट हो गया, पर्शिया का पहला आक्रमण हुआ पर्शिया पर, और पर्शिया पूर्ण मुसलमान बन गया, इसके लिए केवल 30 साल लगे। और मध्य पूर्व से लेकर अफगानिस्तान तक पूरा एरिया जो मुसलमान बना वो 150 सालों में हुआ। और 713 से लेकर सिंध में जो पहला आक्रमण हुआ वो 713 हुआ, 713 से लेकर 1947 तक, यानी पाकिस्तान का निर्माण 1947 में हुआ, तो 713 से लेकर 1947 तक 1200 साल केवल कश्मीर के लिए लड़ रहे थे मुसलमान, और आज भी वो लड़ रहे हैं। कश्मीर मुसलमान के कब्जे में नहीं गया है। भारतवर्ष के इतिहास में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन हिंदू समाज नहीं लड़ रहा था, रोज लड़ रहा है, और लड़ रहा है और हारा नहीं है। और लड़ने के बाद भी युगानुकूल विषय बदले, हमारे समाज का जो ताना बाना था वो ताना बाना ढीला बन गया, जाति प्रथा आ गई, जाति के बाहर निकालना, ये सारा आज जो जो सारी कुप्रथाएं वो आ गई, रात्रि की शादी, पर्दा, ये सारा विषय आ गया। लेकिन हिंदू समाज की निष्ठा, हिंदू भाव जीवन पर, हिंदू दृष्टिकोण पर जो थी, वो उस समय जो थी वही निष्ठा आज है। और जैसा जैसा हिंदू समाज संगठित होता है, वैसा वैसा भारत का एक भाव दृश्य बदल रहा है। 64 के बाद लोकसभा में 71 में जो नासिक में जो मालेगांव में बहुत बड़ी दंगल हुई भिवंडी में, उस दंगल के बाद अटल जी ने लोकसभा में भाषण किया था कि इसके बाद देश में हिंदू मार नहीं खाएगा। और इलेक्शन के पहले मुजफ्फरपुर के दंगल में क्या हुआ है ये हमने देखा है। कोकराझार में जो दंगल हुई, उस कोकराझार के दंगल में लाखों मुसलमान पहली बार विस्थापित हो गए। और अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उस रिजल्ट में क्या है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, इतने सारे प्रांतों में एक भी मुसलमान कैंडिडेट चुनकर नहीं आया है, एक भी नहीं आया है। जो हिंदू समाज सालों से मार खाता आ रहा था, ये राज्य हिंदुओं का है या मुसलमानों का ऐसा लग रहा था, उसी हिंदू समाज ने यह स्थिति बदली है। इसलिए हिंदू समाज चिरंजीव है, वो किसी राजा के आधार पर जी नहीं रहा है, समाज के आधार पर राजा जी रहा है। हिंदू समाज ने औरंगजेब को भी झेला है, फिर भी हिंदू समाज के रूप में बचा है। इसलिए हिंदू समाज को मृत्युंजय कहते हैं। ये सारा हिंदू समाज के जो सारे आक्रमण है, उस आक्रमणों की सारी बातें मैं आंध्र के एक छोटे गांव में बता रहा था, और वहां सारी सभा चलती है तो बोलने के बाद फिर उसका सारा तेलुगु में भाषांतर, तो एक 8वीं कक्षा का लड़का वो सारा सुन रहा था। वो सुनने के बाद, भाषण के बाद मेरे पास आया और वो मुझे तेलुगु में बता रहा था। वो क्या बता रहा था मुझे समझ में रहा था, इसलिए वो फिर हिंदी में ट्रांसलेट, और वो बता रहा था आप इतने सारे आक्रमण बता रहे हो लेकिन औरंगजेब इसी महाराष्ट्र में मरा है। वो मुझे बता रहा है औरंगजेब इसी महाराष्ट्र में मरा है और अलेक्जेंडर भारत से जीवित नहीं गया है। यदि अलेक्जेंडर और औरंगजेब भी मर सकते हैं तो भारत में आक्रमण करने वाले सारे भारत में मर सकते हैं। ये भारत का 8वीं का विद्यार्थी, जिसको हिंदी ठीक नहीं समझती है वो भी समझाता है,
भारत का जो अमरत्व है, भारत का जो मृत्युंजय भारत है, वो इसमें छिपा है, वो हिंदू समाज के जीवट में छिपा है। और जैसा ऐसा हिंदू समाज जैसे जैसे संगठित बनता जाएगा, वैसे वैसे भारत का चित्र बदलेगा। और वो भारत का चित्र बदलेगा, और भारत का चित्र बदलना चाहिए, इसलिए विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन शुरू की। और केवल रामकृष्ण मिशन शुरू किया ऐसा नहीं, रामकृष्ण जी ने कहा था कि जब विवेकानंद जी को आपके उसका जन्म किसके लिए हुआ है ये जब ध्यान में आएगा तो ये देहवध छोड़ेगा। और अल्मोड़ा के प्रवास में विवेकानंद जी को मेरा जन्म किसके लिए हुआ है तो 1900 में ध्यान में आ गया। और उन्होंने कहा कि आप, मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल ये देह जाने की राह देख रहा हूं। और विवेकानंद जी उसके बाद 1.25 साल में गए, 1902 में विवेकानंद गए। विवेकानंद में जाने के बाद एक हिंदुत्व का बहुत भारी जागरण सारे देश भर में चल रहा है। और हिंदुत्व का जागरण, विवेकानंद जी नहीं चाहते थे कि हिंदुत्व का जागरण हो, लेकिन वो नियति थी। विवेकानंद जी का भाषण थी शिकागो में हुआ, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में। वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स अमेरिका के कैथोलिक क्रिश्चियनों ने, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी सारे दुनिया में फैलाने के लिए बुलाया हुआ एक इंटरफेथ डायलॉग था। और दुनिया के सारे लोगों को बुलाना और सारे लोगों को यह समझाना कि कैथोलिक क्रिश्चियनिटी कैसी श्रेष्ठ है। तो विवेकानंद जी को रामकृष्ण जी का संदेश मिला कि आप उसमें जाओ। फिर वो उनका प्रमाण पत्र भूल जाना, रास्ते में सोना, भोजन नहीं मिलना, ऐसे सारी बहुत सारी होने के बाद वो पहुंचे। और पहले दिन का वो 5 मिनट का भाषण हुआ और दुनिया में से कैथोलिक क्रिश्चियनिटी पर इतना जोरदार हल्ला हुआ कि आज अमेरिका का प्यू यानी उनकी जो सर्वे की एजेंसी है वह कहती है 40% ऑफ अमेरिकन ये मान्य कर रहे हैं कि देर इज सेल्वेशन आउट ऑफ क्रिस्ट। क्रिस्ट का पर्याय, क्रिस्ट का हम उपासना नहीं करेंगे तो भी हमको मुक्ति मिल सकती है, ऐसे 40% अमेरिकन साथ बोल रहे हैं। वो जैसा का जैसा लोग वहां मान्य नहीं है, क्योंकि रामदेव बाबा का या अन्य किसी का भी, महेश योगी का जैसा का वैसा योग करेंगे तो वहां तो आत्मा की और परमात्मा की बातें हैं, और आत्मा परमात्मा की बातें महिला करेगी तो कैसा चलेगा। तो क्रिश्चियनिटी पर ही समस्या आएगी, क्योंकि सोल महिला पर है ही नहीं है। इसलिए उन्होंने क्रिश्चियन योगा शुरू किया है महिलाओं को बचाने के लिए। एक समय था हिंदुओं को बचाने के लिए हमको आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये सारे समाज हमको निर्माण करने पड़े। आज यूरोप अमेरिका को स्वयं को बचाने के लिए क्रिश्चियन योगा शुरू करना पड़ा है। जैसा जैसा हिंदू समाज जगेगा वैसे वैसे ये सारी बातें आएगी। हम कहते थे माता पृथ्वी हम पृथ्वीहा, ये मेरी माता है, मैं उसका पुत्र रूप समाज हूं। अब क्लाइमेट चेंज की सारी समिट में सारे अमेरिका बोल रही है कि ये पृथ्वी का रक्षण हमने करना चाहिए, यही तो हम बोल रहे थे ना। तो जो जो हिंदू समाज बोल रहा है वो घूम फिर कर फिर भारत में आ रहा है। वो जो घूम फिर कर भारत में आ रहा है वो ठीक समझना, अपने जीवन मूल्यों पर परखना, उन जीवन मूल्यों के आधार पर उसका सारा प्रचार करना। और जिन जीवन मूल्यों पर हजारों साल हमने आक्रमण सहन करने के बाद भी हम नष्ट नहीं हुए, उन जीवन मूल्यों को फिर एक बार दुनिया में लेकर, जो हमसे बिछुड़ गए हैं ना, जो मुसलमान या जो ईसाई हिंदुओं में से बने हैं, उनको वापस हिंदू और मुसलमान बनाना, ये आने वाले कालखंड में हमको करना है। और ये आने वाले कालखंड में हमको करना है, इसके लिए संघ ने जो गतिविधि शुरू की है उस गतिविधि का नाम है धर्म जागरण। वो गत 16 साल से कर रहा है और हर साल लगभग 1.5 लाख ईसाई और मुसलमान हिंदू बनते जा रहे हैं। 73 से आज तक राजस्थान के ब्यावर में 80,000 मुसलमान हिंदू बन गए हैं। हर साल 1 लाख से ज्यादा ईसाई हिंदू बनते जा रहे हैं। और जैसा जैसा ये वायुमंडल बनेगा, आने वाले 8-10 सालों में हिंदुत्व में आने का भी रास्ता खुलेगा। अब तक हिंदू समाज में से जाने का रास्ता था वी वर इन डिफेंस, हम रक्षा ही करते थे। नाउ वी विल बी इन ऑफेंस। ऑफेंस यानी हम आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो जीवन मूल्य है वो जैसा है वैसा बताने का प्रयास करेंगे। वो जितने आदर्श के, जितने एग्रेसिवली हम बताएंगे,
किसी भी मुसलमान को सबसे अच्छी सेवा यदि करनी है तो वो सबसे अच्छी सेवा है उसको इस्लाम से मुक्ति देना। जब इस्लाम से मुक्ति देंगे तो बुरखा से मुक्ति देंगे, तो बहुपत्नीकत्व से मुक्ति देंगे, तो तालिबान से मुक्ति देंगे, तो भारत में लोकशाही टिकेगी, तो भारत में अन्य पंथों के बारे में आदर टिकेगा, तो भारत में अन्य उपासना पद्धतियों के बारे में आदर टिका, कि ये सारा टिकना है तो उनको हिंदू बनाने के अलावा अन्य दूसरा चारा नहीं है। और यदि इनको हिंदू बनाना है तो हिंदू को हिंदू बनना चाहिए, हिंदू को सेक्युलर बनकर कुछ होने वाला नहीं है, हिंदू को हिंदू बनना चाहिए। और जब हिंदुत्व के हजम करने की ताकत बढ़ेगी तो जैसे ग्री खून शर्त इनको हमने पचा लिया, वैसे इनको भी हम पचा लेंगे, और ये हिंदुत्विक विजय का आने वाले 100 साल का कालखंड है। और वो कालखंड विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत माता पुनरपि एक उच्च सिंहासन पर बैठी हुई मैं मेरे आंखों के सामने देख रहा हूं, इसका अर्थ यह है। फिर एक बार जो गया है उन सबको हम वापिस लाएंगे, हिंदुत्व के आधार पर वापिस लाएंगे। हिंदुत्व ने कभी भी किसी का संहार नहीं किया है। सारी दुनिया में बौद्ध समाज बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, चीन मलेशिया जापान, लेकिन हमने कभी युद्ध नहीं किया। जब चीन का अंबेसडर भारत में आया और उन्होंने कहा कि यू हैव कॉन्कर्ड चीन चाइना जस्ट विथ योर धर्म, वो जो बोधि धर्म था वो बोधि धर्म भारत तमिलनाडु से चीन में गया था और उसके कारण वह सारा यान क्लैन जो शुरू है वो बोधि धर्म के कारण शुरू है। तो हमारे विचार के कारण सारे दुनिया में हम फैले हैं। हम असंगठित थे, हम में बीमारी आई थी, हम संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं, शरीर ठीक हो रहा है, प्रतिकार शक्ति बढ़ रही है, वह जैसा जैसा शरीर और ठीक होगा वैसे वैसे बाह्य जंतु शरीर पर आक्रमण नहीं करेंगे और स्वस्थ शरीर किसी को भी हजम करने की स्थिति में आएगा। और ऐसा स्वस्थ शरीर हिंदुत्व का होना चाहिए। इसलिए विवेकानंद जी ने क्या कहा था, विवेकानंद जी ने कहा था कि शंकर का ज्ञान, जीसस की करुणा और मोहम्मद का शरीर इसे हिंदू समाज को चाहिए। तो इस्लाम जैसा संगठन, क्रिश्चियनिटी जैसी करुणा, क्रिश्चियनिटी यानी जीसस जैसी, क्रिश्चियनिटी में करुणा नहीं है, जीसस जैसी करुणा और शंकर का ज्ञान, इन तीनों का सुवर्ण यदि हम हिंदू समाज में एकत्र निर्माण करने का प्रयास करेंगे तो जो मृत्युंजय धर्म है उस धर्म का पालन करने वाला समाज यदि एक मृत्युंजय समाज बनेगा, और जब ऐसा मृत्युंजय समाज बनेगा तो सारी दुनिया फिर एक बार आर्य बनेगी। और उस दुनिया को आर्य बनाने की कटिबद्धता हम उसका संकल्प करें, इसी प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद शरद जी फॉर एक्सप्लेनिंग अस डिफरेंस बिटवीन द धर्म एंड अ रिलीजन। इन द बिगिनिंग यू सेड दैट आई मे नॉट बी एबल टू क्रिएट द डाउट, बट आई एम श्योर वी हैव ऑल क्लियर विद अवर डाउट एंड विल डेफिनेटली थिंक अबाउट व्हाट आर द चेंजेस दैट नीड्स टू बी ब्रॉट इन। मे आई नाउ रिक्वेस्ट श्री अविनाश जी पोद्दार टू एक्सप्रेस हिज व्यू। सर्वाना नमस्कार, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ಆತ ಢೋಳೆ ಸಾಹೇಬಾನೆ ಎವಡೆ ಚಾಂಗಲೆ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಸಮೋರ ಠೇವಲ ಮೀ ಕಾಯ ಬೋಲ್ನಾರ, ಕಾರಣ ಮೀ ಎವಡಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಪಣ ನಾಹಿ, ಜಾಣಕಾರ ಪಣ ನಾಹಿ, ಮಾಝ ವಾಚನ ಪಣ ಫಾರ ನಾಹಿ, ತ್ಯಾಮುಳೆ ಜ್ಞಾನ ಪಣ ಕಮಿ ಆಹೆ. ಆಣಿ ಎವಡ್ಯಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಾಣಸಾನೆ ಆಪಲ್ಯಾ ಸಮೋರ ವಿಚಾರ ಸಮೋರ ಠೇವಲ್ಯಾವರ ಮೀ ಬೋಲ್ನ ಚುಕಿಚೆ ಧರತೆ. ಪಣ ಆಮಿ ಆಜ ನಶೀಬ ಆಹೋತ್ ಕಿ ಸಾಹೇಬ್ ಇತ ಆಲೆ, ಸೂರತ್ ಹೂನ್ ಇತ ಆಲೆ, आपले विचार त्यांनी आपल्या समोर ठेवले आणि आपला धर्माचा प्रचार कसे करणे, आपला धर्म कसं जागवणे, धर्म कसं टिकवणे हे अत्यंत गरजेचं आहे, त्यांनी चांगल्या रीतीने सांगून दिला आता मला. पण मी एक सिनेमा प्रदर्शक आहे, नाहीतर स्पोर्ट्समध्ये कुठेतरी ऍक्टिव्हिटी असतात, नाहीतर रोटरी म्हणा, सेवाभावी संस्था म्हणा, सहकार क्षेत्र कुठेतरी काहीतरी काम, ते जे काय मी बघितले जे काय ऐकले थोडंफार आहे, थोडीफार माहिती आहे. पण म्हणून मला केव्हातरी वाटते की कुठलेही धर्म जे असतात ते चांगलंच शिकवतात, इन्सानियत माणुसकी हे शिकवतात, कुठल्याही धर्म तुम्ही जावे हेच शिकवतात. म्हणून मग गंगा जन्म चित्र प्रकाश पंडित बसले साहेब, इथं गंगा जन्म चित्र तुम्हाला आठवत असेल तर ते पहिलंच गाणं आहे हेमंत कुमारचं, इन्साफ की डगर पे बच्चो दिखाओ चल की ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के, म्हणतात.
पुष्कर राज कपूर म्हणते प्यार करले नाही तो फासी चढ जाएगा जिस देश में गंगा नदी अल्ली बाण अदिल्लो नोडिल्लो पिक्चर मेरा नाम राजू घराना नाम बहती है गंगा जहां मेरा धाम बघत होते. तर ही जी भावना आहे आमच्यामध्ये हिंदू धर्माने शिकवलेली आहे की प्रेमाने राहायला पाहिजे. दोस्ती जी चीज आहे ती की आपका कॉम्प्रोमाइज करना सिखाती है दोस्ती ऍडजस्टमेंट और प्यार जो सिखाती है वो कुर्बानी करना सिखाती है. आमच्या धर्मामध्ये सुद्धा मोठे मोठे कथा लिहिले गेलेत काव्य लिहिले गेलेत ग्रंथ लिहिले गेलेत महाकाव्य आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्ही रामायण मध्ये जर डोकावून पाहिला भगवान रामचंद्र 14 वर्ष वनवासाला गेले आणि आपल्या भावाला भरतला त्यांनी संपूर्ण साम्राज्य देऊन टाकलं. भरत राजा झाला सर्व त्याच्या हातात आलं पण आज आम्ही कोणाला पूजतो कोणाची पूजा करतो भरतची नाही आम्ही पूजा करतो भगवान रामचंद्र. इट इज ॲज सिम्पल एज दॅट. यू हॅव टू सॅक्रिफाईस यू हॅव टू लव यू हॅव टू हेल्प यू हॅव टू सपोर्ट यू हॅव टू केअर. आम्ही लोकांची काळजी घेतली पाहिजे लोकांच्या बद्दल आदर दाखवला पाहिजे. यू हॅव टू अर्न रिस्पेक्ट यू कांट डिमांड रिस्पेक्ट. तर ह्या सर्व गोष्टी हे सर्व धर्म शिकवतात. तर आज तुम्ही एवढी चांगली जाणकार मंडळी इथं बसलात तुम्ही साहेबांचे विचार ऐकलेत आणि होपफुली आय एम शुअर की त्या काळात गेल्या निवडणुकीत मोठा बदल घडून आलेला आहे. होपफुली दॅट वी हॅव ए अच्छे दिन आने वाले है तो आएंगे. पण आम्हाला पण हमको भी अच्छा बनना चाहिए की हमको भी अच्छा काम करना चाहिए हमको भी इंसानियत सीखनी चाहिए अच्छा काम करना चाहिए. तो हेच विचार आज समोर ठेवून मला इथं बोल म्हणून सांगितले. आज मला माहिती नाही तुम्हाला बोलायला सांगणार आज संदीपने सांगितलं तुम्ही इथे यायला पाहिजे ह्या साहेबांनी सांगितलं मला माझं काय काम आहे नाही तुम्ही फक्त बसायचं तुम्ही काय बोलायचं नाही म्हणायचं. मग मी ते लोकसभेमध्ये विधानसभेमध्ये अध्यक्ष का आप भेटो आप भेटो आप बात करो एवढंच काम असते. पण इथं ते पण काम नाही कारण तुम्ही एवढे सगळे जाणकार मंडळी आहात ते पण काम नाही मला. तेव्हा माझं काय काम नव्हतं पण आता मला बोलायला सांगितलं म्हणजे मी बोललो. धन्यवाद. आय विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. थँक यू सर फॉर दिस वंडरफुल टॉक. इट्स ओनली धर्म विथ द बोथ टॉलरन्स अँड द युनिव्हर्सल ऍक्सेप्टन्स दॅट इज व्हॉट इज अबाउट ऑफ द बोथ डेलिब्रेशन. नाव मे आय रिक्वेस्ट श्री संदीप पाटील टू प्रपोज अ वोट ऑफ थँक्स. अँड आय ऑल्सो वूड लाईक टू say that after this vote of thanks we'll have Rashtragan by Sri Kishore Kandi. Prabuddha Bharat Belgaon ki or se main apne vyast pravas ke bavajood Belgaon ke liye samay nikalne wale Sri Sharad ji ka hrudayapurvak dhanyawad deta hoon ki unhone hame Hindu dharma ke bare mein jo kuch bhi kalpanaye thi unke pare एक नया दृष्टिकोण दिया. वैसे ही अब बहुत ही व्यस्त रहने वाले श्री अविनाश जी भी आज यहाँ आए और इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकारा उसके लिए भी उनका मैं धन्यवाद देता हूँ. सारे श्रोतेजनों का पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद देता हूँ तथा यह सभाग्रह उपलब्ध करने के लिए जो हमको हिंद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के विश्वास मंडल है उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. धन्यवाद. वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम. शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुलकुसुमिता सुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम. वंदे मातरम. कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै द्रुत थर करवाले के बोले मात तुम्हीं अबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम.
तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वं हि प्राण शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा मक्ति तोमारई प्रतिमा गरी मंदिरे मंदिरे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमलां कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् भारत माता की जय।